फिल्मों में विलेन के रूप में दमदार अभिनय करने वाले बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अमरीश पुरी आज भी अपने किरदारों के लिए याद किए जाते हैं। दमदार आवाज और खूंखार अंदाज से पर्दों पर छा जाने वाले अमरीश पुरी हर एक फिल्म में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा देते थे। अमरीश पुरी फिल्मों को लेकर सहज रहने वाले और वक्त के पाबंद थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किसी बात को लेकर अपने सह अभिनेता गोविंदा से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने गोविंदा को सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। आइए जानते हैं इस दिलचस्प किस्से के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 80 और 90 के दशक में गोविंदा का इंडस्ट्री में सितारा बुलंदी पर था। फिल्म निर्माताओं के बीच गोविंदा को अपनी फिल्मों में लेने की होड़ सी मची रहती थी। इस बात का फायदा भी गोविंदा ने खूब उठाया और एक के बाद एक वह कई फिल्में साइन करते चले गए। देखते ही देखते ऐसा समय आ गया कि गोविंदा के पास इतनी फिल्में हो गईं कि वह दिन रात लगातार शूटिंग किया करते थे, और कई दफ़ा ऐसा हो जाता था कि किसी फिल्म के चलते वह दूसरी फिल्म के सेट पर लेट पहुंचा करते थे। ऐसे में एक बार गोविंदा और अमरीश पुरी फिल्म में साथ काम कर रहे थे। अमरीश पुरी शिफ्ट के अनुसार 9 बजे सेट पर पहुँच जाते थे। एक बार अमरीश पुरी अपने समय पर 9 बजे शूटिंग पर पहुंच गए, वहीं गोविंदा इतना लेट हो गए कि 9 के बजाय शाम 6 बजे सेट पर पहुंचे। उनकी वजह से फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को लंबा इंतज़ार करना पड़ा था। इस बात से अमरीश पुरी बेहद नाराज़ हो गए और गोविंदा पर भड़क गए। गोविंदा को सेट पर देखते ही अमरीश पुरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसके बाद दोनों के बीच गहमा गहमी शुरू हो गई। दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई और मामला गरमाता चला गया। अमरीश पुरी खुद पर काबू नहीं रख पाए और सभी के सामने गोविंदा को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, और तो और गोविंदा को गंदी नाली का कीड़ा भी कह डाला। गोविंदा इस घटना के बाद अमरीश पुरी से काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने अमरीश पुरी के साथ दोबारा किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। गोविंदा और अमरीश पुरी ने 2 कैदी फर्ज की जंग में साथ काम किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस देख सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।